केबीसी स्टेशन 11 पहला करोड़पति बना बिहार का सनोज राज बनना चाहता आईएएस। ठाकुरगंज पुलिस को मिली कामयाबी। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चेंगा घाट में थाना अध्यक्ष मोहन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 18 पाउच व इंपीरियल ब्लू की एक बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पटना नागरिक एकता मंच दिगल बैंक ने परिवहन विभाग के सचिव से मिलकर कुछ अहम मांग को लेकर आवेदन सौंपा। मांग पत्र में दिगल बैंक से किशनगंज के लिए 2 सरकारी बस, ठाकुरगंज से भाया दिगल बैंक होकर 1 बस, राजधानी पटना के लिए रात्रि परिचालन के लिए 1 बस की मांग नागरिक एकता मंच के सचिव गणेश सिंह राजपूत ने की। बिहार में फिर गहराया महागठबंधन का कहल। उपचुनाव को लेकर आमने सामने आरजेडी कांग्रेस। बिहार में वाहन चेकिंग में तेजी के निर्देश। परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश पत्र। 2 पहिया चालकों पर सख्ती के निर्देश। 18% लोग ही इस्तेमाल करते हैं हेलमेट। बिहार की एक ही परिवार के 4 लोगों की यूपी सड़क हादसे में, मृतकों में 2 माह का बच्चा भी शामिल। मृतक परिवार सिवान जिला के रहने वाले थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने स्वीकार किया कि देश मंदी के दौर से गुजर रहा है। बिहार सुशील कुमार मोदी बोले, नीतीश कुमार एनडीए के कप्तान है और आगे भी बने रहेंगे। बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय में एसडीएम ने दिए सैकड़ों लाभुकों को नया राशन कार्ड। बहादुरगंज किशनगंज जीएम हिमांशु शर्मा ने प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। सभी विभागों के कार्यों का लिया जायजा। सर बताया जाए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरगंज का आपने जो रूटीन इंस्पेक्शन किया बहादुरगंज अंच प्रखंड कार्यालय का, इस संबंध में आपने आपके माध्यम से क्या क्या चीज़ पाया गया? देखिए, जो हम लोग का रूटीन इंस्पेक्शन होता है आज सभी कार्यालयों का, यहाँ पर जो बहादुरगंज ब्लॉक में सभी का रूटीन इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसमें ICDS कार्यालय भी शामिल है, प्रोग्राम ऑफिस भी शामिल है, अंचल कार्यालय भी है, और हल्का कर इंस्पेक्शन जो है डिजिलर साहब के माध्यम से करा रहे हैं। मकसद यही होता है कि जो अंचल में या प्रखंड में जो कुछ खामियां मिलती हैं तो उनको हम लोग इंगित करें और उसमें सुधार कराने का प्रयास करें। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर जो कन्या विवाह योजना के आवेदन लंबित हैं, योजनाएँ जो पहले से पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन उसके प्रोग्राम्स संधारित नहीं है हमारे पास पंजीयों में, या कुछ गाँव में जो अग्रिम दिया गया है लगभग 67 लाख रुपये का अग्रिम है, उसको हम लोगों ने बोला है योजनाओं में कि उसको एडजस्ट करें या फिर उसका जो है रिकवरी करें। सिमिलरली लगभग 29 लाख रुपये का अग्रिम सामान्य अग्रिम है, उसको भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है। अभी श्रम में लगभग 67 लाख रुपये की राशि है तो उसको भी जो हमारे पास कंजेंसी है उससे एडजस्ट करने का, या फिर कंजेंसी डिमांड करने का, क्योंकि इलेक्शन से संबंधित बहुत सारे अभिश्रम हैं जो एडजस्ट नहीं हुए, तो उसका भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसकी राशि की मांग की जाए, राशि उपलब्ध है।